नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता। भारत पर जब जब दुश्मनों ने आंख उठाई है, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान। भारत के जाबाजों ने हमेशा करारा जवाब दिया है। सन 1971 के वॉर को भला कौन भूल सकता है, जब पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत पर हमला करना चाहा, लेकिन भारत ने पाक को धूल चटा दी। अब इसी सत्य घटना पर विद्युत जामवाल की फिल्म आने जा रही है। फिल्म का नाम है IB71 रखा गया है, जिसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ट्रेलर में सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाई गई है। कैसे जब भारत को पता चलता है कि पाकिस्तान और चीन ने उसे हर तरफ से घेरने की योजना बना ली है, तब भारत अलग माइंड गेम खेलता है। इसे रियल लाइफ स्टोरी को फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म का ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और इसमें विद्युत जामवाल लीड रोल में है। फिल्म में अनुपम खेर भी अहम रोल में नजर आएंगे। वहीं ट्रेलर में देशभक्ति की भावना उमड़ती हुई नजर आएगी। देश को गौरवान्वित कर देने वाले सन 1971 के इंडो पाक वॉर का ये ऑपरेशन देखने के लिए फैंस काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। जब जब देशभक्ति से जुड़ी फिल्में रिलीज की जाती हैं, तब तब फैंस से काफी अच्छे व्यूज मिलता है। कुछ साल पहले भी रिलीज की गई विक्की कौशल की फिल्म उरी में भी ऐसा ही देखने को मिला था। इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी फैंस पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अभी के एंटरटेनमेंट की खबरों में सिर्फ इतना ही। एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।